न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान वैशाली में, जहां की निदेशक महोदया से हम बात करेंगे इस संस्थान के बारे में और इस संस्थान के क्या कार्यकलाप हैं, इससे कैसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और होते हैं, इसके बारे में हम सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे और मैडम से जानने का प्रयास करेंगे इससे कैसे यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, पूरे बिहार राज्य के और राज्य के बाहर के लोग हैं, कैसे लाभान्वित हो रहे हैं इस संस्थान से। नमस्कार मैडम। ऐसा है, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, आपने मुझे कुछ कहने के लिए और इस संस्थान के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा जाहिर किया है। इस संस्थान की स्थापना 1955 में सबसे पहले मुजफ्फरपुर एक सरकारी निजी भवन में शुरू किया गया था। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य जेसी माथुर, पूर्व आईएएस, उस समय आईसीएस का पद हुआ करता था, उन्हीं की ये परिकल्पना का प्रतिफल है, जिन्होंने वैशाली महोत्सव 8वें में इस बात के लिए विचार किया, नींव डाला और इस शोध संस्थान की स्थापना की गई। इसके बाद क्षेत्र के लोगों ने इसमें जमीन दान स्वरूप दिया और 13.5 एकड़ भूमि इस संस्थान में है। इसकी भवन का निर्माण डॉक्टर शांति प्रसाद डालमिया नगर शाहबाद वाले ने किया और इसमें प्राकृत जैन शास्त्र अहिंसा शोध संस्थान इसका नाम दिया गया। अहिंसा शब्द इस भवन का निर्माण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा उन्हीं के कर कमलों से इस भवन का नींव रखा गया, निर्माण किया गया और उन्होंने इस शोध संस्थान के नाम में अहिंसा शब्द को जोड़ा, क्योंकि उनका कहना था कि जैन शास्त्र अहिंसा के बिना अधूरा है। वैसा ही है जैसा बिना रीढ़ की हड्डी का कोई मनुष्य हो, तो ये अहिंसा के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इस विषय को प्राच्य विद्या के नाम से भी जाना जाता है और आज धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो रहा है। और इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य यही था कि भगवान महावीर, जिन्होंने जियो, जीने दो और जीने में सहयोगी बनो इसका सिद्धांत दिया, यह व्यक्ति और समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है और प्रतिफल होगा उसका, इसलिए उन्होंने इसकी स्थापना किया। आज यह संस्थान अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए, लेकिन कुछ कमी है और कुछ सरकारी प्रतिबंध है। जैसे अब अभी आपने पूछा कि विषय में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, तो पहले था कि किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ एडमिशन हो जाता था। यहाँ सिर्फ स्नातकोत्तर कक्षा की पढ़ाई होती है, इसके बाद यहाँ शोध कार्य होता है उसी विषय में, प्राकृत जैन शास्त्र में, और अपना प्रकाशन विभाग है। यहाँ से जो शोध छात्र निकलते हैं उनका भी यहाँ थीसिस प्रकाशित किया जाता है, जो एक पुस्तक के रूप में जन जन तक महावीर के संदेशों को प्रचारित प्रसारित कर सके। और किन तरह के यहाँ पे कार्यकलाप या कार्यक्रम किए जाते हैं यहाँ पे इस संस्थान के माध्यम से? व्याख्यानमाला, बाहर के विद्वानों को बुलाया जाता है, उनका जो विशिष्ट और विद्वतापूर्ण आलेख यहाँ अपना उपस्थापित करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग अपना एक एनुअल रिसर्च बुलेटिन निकालते हैं जिसमें उनके आलेखों को प्रकाशित करवाते हैं। और यह 6-7 इसमें लेक्चर सीरीज होता है, जैसे पहला तो हुआ जेसी माथुर, जो आईसीएस थे जिनकी परिकल्पना से इस संस्थान की स्थापना हुई, उन्हीं के नाम पे पहला व्याख्यान वाला होता है। जैसे ही वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है यानी महावीर जयंती को, और इसके बाद और होता है इसके जो देखे ऊपर बोर्ड पर डॉक्टर हीरालाल जैन हमारे यहाँ फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं, उनके नाम पर हीरालाल जैन स्मृति व्याख्यानमाला, डॉक्टर गुलाबचंद जैन स्मृति व्याख्यानमाला, आचार्य कुंदकुंद व्याख्यानमाला, ऐसे करके 5-6 व्याख्यानमाला होता है। अभी पिछले 2 साल से इस पर प्रतिबंध था, नहीं हो सका, अब इस वर्ष से शुरू हुआ है। हाँ, तो हो रहा है, होगा। अगला कार्यक्रम कब होगा यहाँ पर? अभी निश्चित नहीं है,
इसलिए कि इसके लिए विद्वानों से संपर्क करना पड़ता है। जब वो अपनी स्वीकृति देते हैं तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी संपर्क करेंगे और इधर थोड़ा पर्व त्यौहार था, अब करेंगे तो फिर नवंबर लास्ट तक, दिसंबर तक, मतलब फरवरी के पहले मुझे कर लेना है। इतनी बड़ी शोध संस्थान है और इसके प्रचार प्रसार के लिए किस स्तर के यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं सरकार के प्रशासन के स्तर से? सरकार के द्वारा कुछ नहीं, सरकार की ये बाध्यता है और हमारी व्यवस्था है कि हम कुछ भी करेंगे बिना सरकार से, अपने जो नियंत्रित पदाधिकारी हैं उनकी अनुमति के बगैर कुछ नहीं करेंगे। ना किसी को यहाँ जगह दे सकते हैं, ना किसी को यहाँ बुला सकते हैं। अगर कोई आपका आयोजन भी व्यक्तिगत करना होगा या आपके स्तर से, तो मुझे आपके द्वारा पहले तो मांग पत्र देना होगा, इसके बाद मैं इसको फॉरवर्ड करूंगी और वहां से अनुमति के बाद ही आपको मैं सर दे सकती हूँ स्वीकृति, अन्यथा नहीं। और यहां के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, यहां पे अगर नामांकन दाखिला लेना चाहे तो उनके लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या हो सकती है इसके बारे में? पहले तो उनको स्नातक होना चाहिए संस्कृत, प्राकृत और पाली विषय में, उनका ऑनर्स होना चाहिए, वही यहाँ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। अभी हमारे साथ इस संस्थान के पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं, क्या नाम हो सर आपका? तपेश्वर मांझी। अच्छा, आप लाइब्रेरियन हैं ना? जी, लाइब्रेरियन है यहाँ के, पुस्तकाध्यक्ष। पुस्तकाध्यक्ष, अच्छा, यहाँ पे कितनी पुस्तकें हैं? 20,000 से ऊपर है। 20,000? अच्छा, किन किन विषयों के? लगभग 20,000 तो बहुत होते हैं। यहाँ पढ़ाई है प्राकृत की पुस्तकें हैं, और हमारे यहाँ से रिसर्च होता है, तो रिसर्च के स्कॉलर के ध्यान में रखते हुए हर तरह के, हर विषय की करीब करीब पुस्तकें हैं। पाली की पुस्तकें हैं, वेद पुराण महाभारत रामायण ये भी हैं, जैन दर्शन की पुस्तकें हैं, बौद्ध दर्शन की पुस्तकें हैं, योग से संबंधित पुस्तकें हैं, मनोविज्ञान की पुस्तकें हैं, तंत्र मंत्र हैं, ये पाली का त्रिपिटक वगैरह है, और कोश भी खूब मात्रा में है, ढेर मात्रा में कोश हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू बांग्ला इस तरह से पुस्तकें हैं हमारे यहाँ। यहाँ अभी कुल कितने छात्र अध्ययनरत हैं? ये हमारे यहाँ एडमिशन 9 छात्र जो हैं से रिसर्च स्कॉलर हैं, और 4 छात्र जो हैं अभी वर्तमान में एट ए प्रजेंट रेगुलर का हैं, पीजी का अध्ययनरत। हाँ, अध्ययनरत हैं। और आइए हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे पूरे पुस्तकालय को। उससे पहले जानते हैं इनके, क्या नाम है सर आपका? बागेंद्र पासवान। आप किस पद पर हैं यहाँ? आदेशपाल के पद पर हैं। आदेशपाल के पद पर। अच्छा, यहाँ पे ये जो है छात्रों के अलावा और कौन कौन से लोगों की आने की अनुमति है? जैसे आप अपने लिखने वाले जो होते हैं वही आते हैं, और घूमने फिरने वाले देखने के लिए आते हैं। आइए अब हम आप लोगों को इस पुस्तकालय को दिखाने का प्रयास करते हैं। 20,000 पुस्तकें, 20,000 पुस्तकें, समझ रहे ना कि ये एक ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों के समक्ष जो है 20,000 पुस्तकें पढ़ने का एक बहुत बड़ा भंडार है, ज्ञान का समझ समुद्र है हम लोगों के पास यहाँ पे सरिया और क्षेत्र के लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग भी आए और इस लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का लाभ उठावे और ज्ञान का जो है अपने आप में भंडार बढ़ाएं। आइए दिखाने का हम प्रयास करेंगे आप लोगों को। यहाँ पे किस तरह की पुस्तकें हैं? ये वेद हैं, ये इस सेक्शन में वेद है, और इसमें वेद भी है और पुराण भी है। इस साइड में जो है हम लोगों का अपना पब्लिकेशन है, 100 पुस्तकें अभी हम लोगों का निकल चुका है इस संस्थान से, पब्लिकेशन से। तो ये सजे हैं पब्लिकेशन। किस नाम से पब्लिकेशन है? ये संस्थान का जो प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा स्वान के नाम से। हाँ, और आगे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किन किन तरह की पुस्तकें हैं। इस भारतीय इतिहास, ये भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे ये इस रैक में जो है भारतीय इतिहास की पुस्तकें रखी हुई हैं। इधर रामायण है, यहाँ रामायण है, जो हम लोग कलेक्शन कर सकते थे वो कलेक्शन करके रखा हुआ है। रामायण है, मैंने इसमें
वाल्मीकि रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, ये कम्ब रामायण है, अध्यात्म रामायण है, मैंने जो हम लोग कलेक्शन कर सकते थे रखते हुए। और ये जो है से महाभारत की है। अभी देखिए ये पूना का प्रकाशन है, पूना का प्रकाशन जो है अब मार्केट में उपलब्ध नहीं है, जो हम लोग इस आप लोगों के पास अब तक उपलब्ध में रखे हुए हैं, और अन्यत्र कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया, अब इसका प्रकाशन बंद हो गया। तो हमारे यहाँ जो है सो है ये महाभारत ही है, और ये पुस्तक जो है हमारे अभी एक जैन आदमी से जैन धर्म के अनुयायी के द्वारा प्रेजेंट किया हुआ है, गिफ्ट किया हुआ है। और इधर हमारे जो संस्थान के जो पूर्व के डायरेक्टर हैं, जो अभी वर्तमान में हमारे डायरेक्टर हैं, उनसे पहले जो डायरेक्टर थे उनके द्वारा ये दान में दिया हुआ पुस्तक है। हाँ, यहाँ के जो पूर्व निदेशक, क्या नाम था उनका? डॉक्टर ऋषभ चंद्र जैन। डॉक्टर ऋषभ चंद्र जैन जी के द्वारा जो है ये जो सभी पुस्तकें आप देख रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो है दान दिया हुआ है। यहाँ पे उनके द्वारा वो सारी पुस्तकें हैं, और भी आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैन धर्म की पुस्तकें हैं ये सभी जो आप पुस्तकें देख रहे हैं, ये सभी जैन धर्म की पुस्तकें हैं। और इधर में जो लगी हुई है, इधर जैन आगम है, जैन आगम में दो हैं, ये दिगंबर और श्वेतांबर का है, ये आगम है, ये आगम साहित्य है, लिखा हुआ है हमारे ये जो है तो सेल्फ। आप देख सकते हैं वहाँ पे सभी रैक में लिखा हुआ है, जैन आगम है, जैन आगम साहित्य है, ये सभी नंबर वाइज क्रमबद्ध यहाँ पे सूचीबद्ध किया हुआ है, विविध साहित्य का जो है पुस्तक है यहाँ पे। और भी आप लोग को आगे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं जैन दर्शन है, ये सभी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सभी जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन से संबंधित पुस्तकें हैं। और यहाँ पे पाली की पुस्तकें हैं नीचे में जो आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी पुरानी पुस्तकें हैं जिसका संग्रहण यहाँ पे किया गया है। अब आगे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा जीवनी साहित्य, बड़े बड़े महापुरुषों का यहाँ पे जीवन का, जीवन से जुड़ा साहित्य आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, उनसे संबंधित की साहित्य का जो है पुस्तक आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे योग दर्शन, योग दर्शन का जो है आप देख सकते हैं पूरा भंडार यहाँ पे लगा हुआ है, योग से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं यहाँ पे, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। इतना बड़ा ज्ञान का जो भंडार है इस शोध संस्थान में, जिसे विद्यार्थियों को पाकर लाभान्वित होना चाहिए इसको पढ़कर अध्ययन कर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाश्चात्य दर्शन का किताब है, यहाँ पे आप देखिए ज्योतिष मंत्र तंत्र, जिनको भी लगता है कि ज्योतिष विद्या झूठा है, ज्योतिष विद्या कुछ नहीं होता है, जिन लोगों को भी मन में शंका रहता है या जिनको इस चीज़ के बारे में अभिरुचि रहती है, वो सभी लोग आकर के भी यहाँ पे अपना जो है शोध कर सकते हैं, यहाँ पे जो अध्ययन कर सकते हैं, इसके विषय के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे ज्योतिष मंत्र तंत्र का पूरा यहाँ पे पुस्तक ऊपर से नीचे लगा हुआ है। यहाँ पे जो है भाषा विज्ञान, भाषा से संबंधित जो है विज्ञान का एक पूरा रैक भरा हुआ है, जहाँ पे विभिन्न भाषाओं की जो है पुस्तकें हैं, जो ग्रामर जिसको बोल सकते हैं, सभी तरह के व्याकरण की पुस्तकें यहाँ पे लगी हुई हैं। और आगे हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बौद्ध साहित्य, बौद्ध से संबंधित जो है साहित्य की सभी पुस्तकें यहाँ पे लगी हुई हैं, जहाँ पे आप बौद्ध दर्शन, बौद्ध से संबंधित भी साहित्य का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप भारतीय दर्शन का जो है पुस्तक पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा जो है कितना सूचीबद्ध करके, और इतने कम जो है कर्मचारी होने का बावजूद भी यहाँ का जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुसज्जित और पूरा तरीके से सूचीबद्ध करके सब कुछ रखा हुआ है। सारी पुस्तकें बिल्कुल अपने जगह पर सुसज्जित तरीके से रखी हुई हैं। इधर आप देख सकते हैं भारतीय दर्शन की पुस्तकें हैं पूरे रैक में, और यहाँ पे जो है शोध पत्रिकाएं हैं, इसे भी आप देख सकते हैं कितनी पुरानी पुस्तकें हैं जिसको आज भी संभाल करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गांधी साहित्य की पुस्तकें हैं, जिनसे जुड़ी हुई लगभग यहाँ पे 100 से
करीब 100 से ऊपर पुस्तकें लगी हुई हैं पूरे रैक में, ऊपर से नीचे तक गांधी साहित्य, गांधी के जीवन के बारे में, राजनैतिक सिद्धांत के बारे में, उनके सभी तरह की पुस्तकें यहाँ पे, गांधी जी से जुड़ी हुई पुस्तकें यहाँ पे लगी हुई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विविध साहित्य की किताबें हैं, दिया हुआ है चार रैक, वहाँ से लेके यहाँ तक चार रैक, जो कलकत्ता के एक ट्रस्टी थे हीरा कुमारी नाम था, उनके द्वारा पुस्तकालय को बहुत पहले डोनेट किया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे अंग्रेजी विश्वकोश, हिंदी विश्वकोश, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का भी यहाँ पे समागम है, पूरे पुस्तकों का कोश ग्रंथ है यहाँ पे, भारतीय संस्कृति कोश है, निरुक्त कोश है, यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी कोश है, और भी बहुत सारे पुस्तकें हैं। लगभग 20,000 पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध है, जिसे आप लोग अध्ययन कर यहाँ पे आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे शोध पत्रिकाएं हैं, शोध पत्रिकाएं, इधर शोध पत्रिकाएं लिखा हुआ है, संस्कृत से साहित्य, संस्कृत साहित्य की पुस्तकें यहाँ पर है, वो ऐसे वो संस्कृत साहित्य उधर है उस साइड में, ये सब जनरल है। और ये नई पुस्तकें जो आए हैं ना, ये भारतीय ज्ञानपीठ की हैं, लगी हुई हैं, तो वो रखे हुए भारतीय ज्ञानपीठ ने, ये अच्छा प्रकाशन है। और इधर संस्कृत साहित्य है, यहाँ से लेके यहाँ सब संस्कृत साहित्य की पुस्तकें हैं, देख सकते हैं पूरे ज्ञान का, जिसको समुद्र कह सकते हैं, पूरा समुद्र भरा हुआ है यहाँ पे, बस अब पीने वालों की कमी है इस ज्ञान के भंडार के समुद्र से। जैन संस्कृति साहित्य है, प्राकृतिक साहित्य है, सभी तरह की पुस्तकें हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें यहाँ पे, लगभग 20,000 से अधिक पुस्तकें लगी हुई हैं इस पूरे पुस्तकालय में। इधर में हिंदी साहित्य की पुस्तकें लगी हुई हैं, पूरे हिंदी साहित्य की पुस्तकें हैं इसमें, भोजपुरी पूरी सब मिलेंगे। अच्छा अच्छा, इधर आप देख सकते हैं इतिहास है, इसमें विश्व इतिहास, विश्व का इतिहास, कितनी अच्छी पुस्तकें हैं यहाँ पे, कितना अच्छा पुस्तक का भंडार लगा हुआ आप देख सकते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ के एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं इस संस्थान के बारे में। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर उमेश कुमार उषाकर, इस अहिंसा प्राकृतिक शोध संस्थान के विषय में हमने बहुत दिन से सुना था, मधुबनी में, दरभंगा में जो मिथिला स्नातकोत्तर संस्कृत शोध संस्थान है बिहार सरकार के, इसी की ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर सरकार के द्वारा जो पढ़ाई की जाती है पीजी पीएचडी में, केवल एक विषय प्राकृतिक और जैन शास्त्र में, हम लोग चाह रहे हैं कि प्राकृत जैन शास्त्र के अलावा यहाँ संस्कृत में, योग में, प्राकृत सा में, इसके जो भवन हैं, इतने जमीन हैं, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इसका सदुपयोग हो और यहाँ के जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले। सरकार को इस दिशा में और समाज को भी पहल करनी चाहिए कि योगा, नेचुरोपैथी और दूसरे दूसरे सेक्टर में भी यहाँ पीजी पीएचडी की पढ़ाई हो, ताकि अधिक से अधिक लाभ समाज को मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी हम सब जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे। और आप इस पुस्तकालय से जुड़कर लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे, प्रयास करेंगे आपको भी इस पुस्तकालय से जुड़ने का, ताकि आप भी ज्ञान के भंडार में आकर के ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।